पीच या आड़ू शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चार ये जो पीचेस थे इसको छील लिया है और उनको काट लिया है। ये देखिए ये ऐसा फल है और इसमें इसका छिलका निकाल देना है। छिलका निकाल के इसको कट कर लिया है। शुगर और यहाँ पे कुछ कटे हुए काजू हैं, आप बादाम भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्रश्ड आइस है और ये ठंडा दूध है, दूध को ठंडा लीजिएगा। और ये आइसक्रीम है, वनीला आइसक्रीम। तो चलिए हम पहले इसको बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले हम जार में इसको सारे अपने पीचेस डाल लेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच शुगर और इसमें 2 चम्मच काजू और इसमें डालेंगे अभी थोड़ा दूध। दूध पूरा मत डालिए, अभी थोड़ा दूध डाल के इसको हम ब्लेंड करेंगे, इसको अच्छी तरह पीसेंगे। अब ये देखिए अच्छी तरह हमारा ब्लेंड हो गया है। डाल देंगे, इसमें डालेंगे दूध और इसमें डाल दीजिए आइसक्रीम, 2 चम्मच बड़े चम्मच आइसक्रीम। और हम इसमें डालेंगे अब ये क्रश्ड आइस, इससे इसको बहुत ठंडा बना देगा, बहुत ही तरावट वाला और आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको पी के। बस अब इसको अच्छी तरह से फिर से ब्लेंड कर लीजिए। शेक रेडी है, इसको ठंडा ठंडा ही सर्व करेंगे। आलू बुखारा या प्लम शेक बनाने के लिए पहले आप इसको धो लीजिए अच्छी तरह से और इसके बाद इसके बीजों को निकाल दीजिए और इनको काट लीजिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे लिया है मैंने शुगर और ठंडा दूध। देखिए दूध ठंडा नहीं था तो मैंने आइस डाल के ठंडा कर लिया है, ठंडा दूध ज़रूर लीजिएगा। और यहाँ पे लिए हैं ये खरबूजे के बीज, इस पर हम बनाना शुरू करते हैं। जार में सारा कुछ डाल देते हैं और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच खरबूजे के बीज। ये बड़ी ठंडक देते हैं, बहुत तरावट देते हैं, गर्मियों में हम इनको यूज़ करना चाहिए, डाइट में अपने शामिल करना चाहिए। वैसे भी सीड्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, नट्स और सीड्स हमें ज़रूर खाना चाहिए। अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा दूध, पूरा नहीं डालेगा अभी इसको, ताकि अच्छी तरह से ये इसको हम पीस लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद इसमें बाद में दूध डालेंगे। ये भी हमारा थोड़े दूध के साथ ब्लेंड हो गया, अच्छी तरह पीस गया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बर्फ़ अच्छी तरह, जिससे ये बहुत अच्छा ठंडा हो जाए। इसमें डाल दिया 2 चम्मच और अब इसमें हम बाकी बचा हुआ दूध और इसको फिर अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। शेक रेडी, अब हम इसको सर्व करते हैं। इसको ग्लास में डाल दीजिए ठंडा ठंडा इसको। अब इसमें हम डाल देंगे आइसक्रीम, अगर आपके पास है आइसक्रीम तो इसमें आइसक्रीम डाल दीजिए। और इसमें डालिए आप थोड़े से खरबूजे के बीज और इसको ठंडा ठंडा सर्व करिए। ये बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी है। तो ये हमारे दोनों शेक तैयार हैं, एक है हमारा आलू बुखारा शेक और दूसरा है हमारा आड़ू शेक। दोनों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। गर्मियों के ये स्पेशल फ्रूट्स हैं जो कि हमको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए और स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छा। आप उनको ऐसे शेक बना के देंगे तो वो बहुत ही मज़े से इसको पियेंगे और इन्जॉय करेंगे। और कई बार क्या हो, खाना नहीं चाहते ये वाले फ्रूट्स, जैसे कि ये हमारा प्लम हो गया या आलू बुखारा हो गया, वो बच्चे नहीं खाते हैं, तो आप उनको इस तरह से उनको दे सकते हैं। बहुत ही यमी है, वो दोबारा आपसे ज़रूर इस चीज़ की डिमांड करेंगे। आप इसको बनाइए, अगर आपको अच्छी लगी ये रेसिपी तो प्लीज़ समस्त किचन को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।